प्रदेश, आज 9 जून गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत हुई थी, कार में 6 लोग सवार थे। पुलिस ने बताया कि बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ नेशनल हाईवे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। सरदारशहर की तरफ से एक कार बीकानेर की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक बीकानेर से आ रहा था। दोनों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक 3 की मौत हो गई थी, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे में जगदीश निवासी गिरगियाचा सरदारशहर, संतोष देवी पत्नी जगदीश रामदयाल और आरिफ निवासी चूरू की मौत हो गई। हादसे में जगदीश का 20 साल का बेटा रमेश कुमार और बहू पूजा गंभीर रूप से घायल हो गए। पति पत्नी को बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इन दिनों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम को जान से मारने की धमकी एवं आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल के परिवार से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगने में चर्चा में है। धौलपुर पुलिस की जांच में इस गैंग से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वह यह है कि राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की गैंग भी लॉरेंस के लिए ही काम कर रही है। आनंदपाल का भाई विक्की और लॉरेंस का भाई अनमोल उर्फ जैक आपस में गहरे दोस्त हैं। हाल ही में धौलपुर में पकड़े गए लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों संदीप और दिनेश को फरारी काटने के लिए आनंदपाल के भाई विक्की ने ही अपने संपर्क सूत्र डकैत रामदत्त के पास राजाखेड़ा भिजवाया था। इन्हें शरण देने के आरोप में पुलिस ने डकैत रामदत्त को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में डकैत रामदत्त ने बताया कि भरतपुर के सेवर जेल में बंद रहने के दौरान ही उसकी दोस्ती कुख्यात बदमाश आनंदपाल के भाई विक्की से हुई थी। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी। रावतभाटा में ज्वार सागर के जंगलों में कोचिंग स्टूडेंट की लाश मिली। कोचिंग छात्रा 2 दिन पहले लापता हुई थी। छात्रा की कुछ दिनों पहले इंस्टा पर गुजरात के युवक से दोस्ती हुई थी। पुलिस फरार स्टूडेंट के बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है। युवक गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली छात्रा आलिया करीब 1.5 महीने पहले कोटा में नीट की तैयारी करने के लिए आई थी। वह राजीव गांधी नगर स्थित एक हॉस्टल में रहती थी। 6 जून की सुबह वह कोचिंग जाने की बात कहकर हॉस्टल से निकली थी। छात्रा कोचिंग भी गई थी लेकिन हॉस्टल नहीं लौटी। इसके बाद छात्रा के लापता होने की रिपोर्ट जवाहर नगर थाने में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने फुटेज खंगाले तो सामने आया कि छात्रा एक लड़के के साथ स्कूटी पर बैठकर गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर मिनी ट्रक सवार 2 जनों से बाइक सवार 6 नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर 3,75,000 रुपये की लूट कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन अभी तक लुटेरे हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस ने बताया कि सत्यवीर सिंह मिनी ट्रक से ड्राइवर गुलजार बाग निवासी फिरोज आलम के साथ हरियाणा मुर्गियां खरीदने जा रहा था। सत्यवीर सिंह के पास करीब 3,75,000 रुपये थे। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर बजरी नाका के पास मोटू का गांव से करीब 50 से 60 मीटर दूर 3 बाइकों पर आए 6 बदमाशों ने बाइकों को मिनी ट्रक के आगे लगा दिया और कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर 3,75,000 रुपये लूट लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिरोही जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में दूर पावापुरी के पास खेत में बने कुंड में नहाते समय एक आईटीआई स्टूडेंट की डूबने से मौत हो गई। युवक राहुल अपने 4 दोस्तों कृष्ण पाल सिंह, भवनलाल, उत्तम कुमार और अरविंद कुमार के साथ पावापुरी के पास एक खेत पर कुंड में नहाने के लिए गया था। उसके 4 दोस्त नहाने के बाद पानी के कुंड से बाहर आ गए और कपड़े पहनने लगे। इस दौरान उनको राहुल नहीं दिखा तो उसको इधर उधर ढूंढने लगे। करीब 15 मिनट बाद युवक का शव कुंड में तैरता मिला। इसके बाद सभी दोस्त उसको लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग ने ड्रग इंस्पेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, मास्टर मिनरल ऑफिसर, असिस्टेंट शिपिंग मास्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत सीनियर लेक्चरर की 161 पदों पर वैकेंसी निकाली है। राजस्थान समेत देश भर में निकली भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 30 से 55 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 16 जून तक यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।
पाली जिले में मिर्गी जैसी गंभीर बीमारी से परेशान होकर आखिरकार दो बच्चों के पिता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि थाना किशनपुरा गांव निवासी 35 वर्षीय भीमाराम का शव घर के एक कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने बताया कि हमेशों की तरह वह घर में चौक में सो रहा था। जल्दी उठकर भीमाराम ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। परिजनों ने बताया कि वह पिछले 4-5 साल से मिर्गी की बीमारी से परेशान था। संभवतः बीमारी से परेशान होकर कि उसने मौत को गले लगाया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गुगुंदा थाना क्षेत्र के पिंडवाड़ा हाईवे पर मालवा चौक के समीप भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रोड किनारे खड़ी रोडवेज बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर ट्रेलर के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि रोडवेज बस में 60 से अधिक सवारियां बैठी हुई थी। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। चूरू के एक युवक को पुणे की रहने वाली युवती से प्यार हो गया। उसने अपने परिजनों को अपने प्रेम प्रसंग की जानकारी दी, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। इस पर युवक और युवती ने घर से भागकर गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली। जब दोनों के परिजनों को इसके बारे में पता चला तो वे नाराज हो गए। लड़की के परिजन उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस पर प्रेमी युगल ने SP ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। चूरू के वार्ड नंबर 19 निवासी सोहिल की इंस्टाग्राम पर पुणे निवासी मिसबा से दोस्ती हुई थी। इनकी दोस्ती देखते ही प्यार में बदल गई। पिछले 4 सालों में उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने अपने प्रेम प्रसंग के बारे में परिजनों को बताया तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और गाजियाबाद जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। अजमेर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के उदयपुर खुर्द गांव में दो मकानों में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर यहां से लाखों के जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। एक मकान सोना था और ताले तोड़कर वारदात अंजाम दी गई। वहीं दूसरे मकान में परिवार वाले सो रहे थे, लेकिन कमरे के पीछे की खिड़की तोड़कर चोरी की गई। पुलिस ने बताया कि गाँव उदयपुर खुर्द निवासी करण विजय सिंह ने रिपोर्ट देकर बताया कि रात के समय अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर कमरे में रखी अलमारी के ताले तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।